ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ आपसे चोरी इन्होंने 2.5 लाख का फोन लिया और घंटे बाद वापस कर दिया। हाँ। कहते सापा ली गेम ही नहीं। वो फिर यार मैं दूसरी कि मैं क्या तो आंधी एक ही थाने को क्या कहते हैं। हाँ। गो और लड़की को कहते शी कथा कर खुशी उसने खुशबू ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। कैसे हैं आप लोग? और रैम्बो साहब कमरे में मौजूद नहीं है। ये रोज कहीं ना कहीं क्या ये क्या चक्कर है? मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये कमरे में क्यों नहीं होते, ये कहाँ बिजी होते हैं। और काम तो ये अपने मुख्तलिफ करते रहते हैं, लेकिन ये जब मैं आती हूँ तो ये गायब कहाँ होते हैं? ये कौन है जिसके पास ये बैठे होते हैं? चले आए देखते हैं। और हमेशा की तरह ये पीछे वाले कमरे में पाए जाते हैं। कुछ नहीं भाई, जन कह रहे थे इंटरव्यू करना है। आपका इंटरव्यू? हाँ, मेरे पे एक ही पड़ा था, मैं कहा आप ले लें मुझे क्या। असल में मैं आई इसलिए हूँ कि मैं रैम्बो साहब को ढूंढ रही थी अंदर। अच्छा। और ये रोज आपके साथ बैठ रहे हैं इतनी इतनी देर। जब आप लोग बैठते हैं तो आप लोगों को टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, काम तो ऐसे ही होगा जब दो जहन इकट्ठे होंगे। अच्छा ये बताएं कि इतना कम कम क्यों नजर आते हैं? भाभी वजह ये है, हालांकि आप इतने बड़े हैं नजर ही नहीं आते। यार आप मियां बीवी आपस में कर ले, फिर मुझे मेरी वो मुझसे पूछ रही है। मैं चूंकि एक वेल नोन इदारे से भी मुंसलिक हूँ, जॉब करता हूँ, तो मैंने फिर उसको टाइम देना जरूरी समझा। वो रैम्बो भाई ने जब कॉल की थी तब मैंने इनको फौरन हाँ की कि जी मैं कर। अच्छा ये आप क्या किसी वेल नोन अदारा, क्या कोई दुकान है, कोई चनों की दुकान है? आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तो यही लगता है कि कोई यार खदा बेच रहे होंगे। वो जो नहीं होटल होते जिसमें स्टील का इतना बड़ा देचका होता है, उसमें से यूं और साइड से तरी निकाल के देने वाला। अच्छा, मुझे कुछ पहले भाभी ठीक थी, बाद दिमाग पे असर हुआ। चने भी कदे वेल नोन कारोबार होया? बड़े नहीं नहीं नहीं, एक रेडी से कई मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी हुई है। एक रेडी से इंसान, तुसी अपनी गल सच्ची करन ली रेडी लब लेनी है मेरे अगे खला देनी है। नहीं ऐसे वेल नोन खाने हैं। मैं एक बैंक से मुंसलिक हूँ जहाँ टाइम देना होता है मुझे, तो जब यहाँ काम नहीं हो रहा था तो मैं क्या की फायदा है थे फिर हमें टाइम। अच्छा, तो आपका मतलब ड्रेस कोड भी होता होगा फिर? ओह यस, शर्ट और ये टाई। माशाल्लाह मैं उसमें भी अच्छा नहीं लगता। नहीं माशाल्लाह आगा साहब बैंक मैनेजर हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो तीसरे दिन उन्होंने निकाल दिया। क्यों? मैनेजर वाले कपड़े ही नहीं संको। आपसे चोरी इन्होंने 2.5 लाख का फोन लिया और घंटे बाद वापस कर दिया। हाँ। कहते सापा ली गेम ही नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा माशाल्लाह काफी रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग एक दूसरे की, नजर ना लग जाए। आगा साहब को, आगा साहब को मैंने साइन किया। हाँ जी। टेलीफिल्म के लिए तो मुझसे पैसे मांगे, मैं क्या पैसे बैंक के थोड़े सोचो खबे पे होंगे। हाँ जी। तो मैंने फिर इनसे पूछा, मैं कहा अगर मैं वो पैसे ले लूं तो आप मेरी रोटी लाएंगे कैंप जेल? उन्होंने तो मैंने नहीं छटना। नहीं नहीं, रोटी वो कैसे आपकी माशाल्लाह पूरी कर सकते हैं, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। पेमेंट ठीक है, पेमेंट दे दीजिएगा प्लीज, खाने का वादा ना कीजिएगा। खाने में नहीं, नहीं अभी इन्होंने मुझे जिस ड्रामे के लिए कहा है इन्होंने मुझे साफ कहा कि यार मैं या तेन खाने वाली रोटी देनी है या ले जाने वाली रोटी देनी, दोनों में से एक तय कर ले। अच्छा इंटरव्यू हो रहा है ना, तो इस तरह के सवाल पूछे, क्या पसंद करते हैं आप खाने में? सब कुछ नहीं भाभी। हाँ। आप कसम जो बाहर से मिल जाए मेरे लिए यार, मैंने तुझे बोलने नहीं देने, मैंने तुझे एक मासूम आर्टिस्ट था। मुझे भाभी खाने में वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पसंद है, लेकिन चने की दाल गोश्त मेरी फेवरेट है। अच्छा। और एक भिंडिया, यही मैं शौक से खाता, और मैं इतना नहीं खाता, चार रोटियों के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। चार रोटियां। हाँ जी। अच्छा। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे स्नैक्स वगैरह में क्या पसंद करते हैं? स्नैक्स में कि क्लब रोस्ट, एक क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच आप स्नैक्स पूछ रही हैं? क्लब सैंडविच है, क्लब सैंडविच है। वो मैं खा, दो दर्जन समोसे, मैं इतना पेटू नहीं हूँ, एक समोसा उठा ले। रैम्बो साहब के साथ साथ कितना पुराना हो गया? रैम्बो साहब के साथ मैंने पहली दफा काम किया था 2005-06 में, तो अब माशाल्लाह 6 हो गए, तो
काफी साल हो गए काफी साल जो 15 साल माशाल्लाह हो गया। और वो फिर इसमें हमने बेबहा प्लेस के दूसरों के भी किए, भाईजन के अपने भी थे वो भी किए, बड़ा मजा आया हमें। अच्छा जो आपकी अच्छा इतने अरसे से इनको ना आपकी एक बड़ी जो आप स्पेशल आपकी एक टोन है वहीं पे आपको कोई भी आपका कैरेक्टर ये सोचते हैं ना उसी टोन में ये सोचते हैं जो आपकी ये बकरा एक कसाई दो में जी चौधरी मिंथा मिठे उस मिठू को छोड़ गए मुझे छोड़ के न जा जी। वो ना इन्होंने वो सुनी थी उसमें अफसर बेकार खास में, तो वो ना इसके बाद जब मैंने इन्होंने मुझे करवाया बशीरा रह गया कवारा, बड़ा मजेदार प्ले। अब वो मुझे कहे नहीं तू वही टोन कर, मैं कहा पाइन कोई और नहीं नहीं वही कर। वो फिर यार मैं दूसरी किमें कह मैं तुहानू आंदी एक ही नाजरी मुझे एक ही टोन आती है। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह उससे च बरकत पै गई। अच्छा सर साहब जी सर पानी का जग लेके आना पाइन अपना कैप्सूल खा पाइन खाने दे बाद खाना खाना तो लुआओ भाई जन ये होता है मेरे साथ। लेकिन खैर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, it's all funny things, you know? Yes. अच्छा ये मैं ये पूछना चाह रही थी ये टोन आई कहाँ से, होता है ना किसी कैरेक्टर को कभी जिंदगी में देखा तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक्टर की अच्छी होती है इसलिए वो अच्छा एक्टर होता है। ये मैंने किसी को भी नहीं देखा था ऐसे ही मेरे ना एक दिन मैं जब ये ड्रामा करने गया अफसर बेकार खास तो वहाँ पे सारे बड़े नाम थे अशरफ खान साहब इफ्तिखार ठाकुर नवाज अंजुम वगैरह, मैं कहा इसमें कोई डिफरेंट सा हो जाए तो ऐसे ही मेरे जहन में ये टोन आई मैंने ये टोन कर ली वो क्लिक कर देखी नहीं कभी पहले सुनी नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्योंकि एक्टर के ज्यादातर यही बताते हैं ना कि यार मैंने उसको देखा मैंने उसे भेज दिया मैंने शादी में देखा मुझे जो टोन मैं करना चाहता था वो थी एक हकली जो मैंने सुनी हुई है देखी हुई है। अच्छा के मतलब वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या कहता है होशी कहता है नहीं नहीं नाम होशी कहता है ओए नाम कहता है खाने को क्या कहते हैं कहता है गो और लड़की को कहता है शी अच्छा कर ये हकीकत है कि मुझे ना एक वसीम अब्बास साहब एक ये रैम्बो भाई हो गए और एक सुहेल साहब इनके साथ हमेशा जब हमने काम किया ना मैंने बड़ा एंजॉय किया कि माहौल जो होता है ना वो टेंस नहीं होता कि ऐ की कर रहे हैं तो फलां ये नहीं होता। वसीम भाई के साथ तो सबसे मुश्किल है ना क्योंकि वो हंसते हंसाते इतने वो खुद नहीं हंसते। वसीम अब्बास साहब तो उनकी आंखों में शरारत होती है इतनी ज्यादा होती है कि वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप हंस पड़ते हैं। जी ऐसे ही है सीरियस शॉट तो उनके साथ हो ही नहीं सकता। उनकी कोशिश होती है कि अगले को मैं हंसा दूं और वो बात खुद वो हंसते हैं और पता नहीं उनसे अच्छा किस्सा सुनाने वाला मैंने शोबिज में नहीं सुना जैसा वो किस्सा सुनाएंगे। अच्छा। पूरा बैकग्राउंड और सारा माहौल क्रिएट करके और पंच लाइन ऐसी कमाल होगी फिर वसीम साहब और वो फिर इनके साथ हुआ सुहेल साहब ये तीन इतना हमने एंजॉय जब हम करते थे एक दूसरे के लिए भी बिल्कुल वो उसमें बल्कि आप भी एक एपिसोड में आई थी तुम जो आपने किया था जिसमें आपका डबल रोल फिल्म स्टार साहिबा। और सुहेल साहब भी ना वैसे मुझे तो बहुत मेरा ना मैंने पहला ड्रामा उनके साथ किया था वही मुझे लेकर आए जी जी तो मतलब बड़ा अच्छा हाँ बड़ा जबरदस्त उनके साथ और बड़ा ना वो भी कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुहेल साहब के बारे में ये कहता हूँ वो ऐसा पानी है आप जिस बर्तन में डालेंगे वो शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छा जी ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल एक फिल्म बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स पे है जो लिख रहा हूँ वो मोमर राना साहब की फिल्म पहली फिल्म मोमी की और आइडिया भी उनका आइडिया बहुत मजे का है बड़ा अच्छा वो बिल्कुल एंडिंग पे है वो माशाल्लाह मोमी से खुद डायरेक्ट कर रहे हैं जी डायरेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूस भी बेस्ट ऑफ लक मोमर राना साहब। आज क्यों आए हैं क्या डिस्कशन हो रही है बताएं जरा वो हम पहले कर अच्छा हाँ इसमें करना है। अब वो ये है कि रैम्बो भाई ने मुझे फोन किया कि यार मैं एक सिटकॉम कर रहा हूँ तो उसमें वो एक करेक्टर है वो करना है और उसी के लिए रैम्बो भाई ने मुझे बुलाया बेहतरीन निहारी भी है भाई जान देखना भी है जी जी। में जाएगा जॉन रैम्बो यूट्यूब चैनल पे सिटकॉम आ रहा है एक बड़ा जबरदस्त तो आप लोग देखना ना भूलिएगा आगा अब्बास साहब है इसमें कास्ट अभी फाइनल हो रही है हम दो फाइनल अब दो लड़कियां फाइनल करनी दो लड़कियां फाइनल करनी है इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया ये कह रही है नहीं मैं सलून में बिजी हूँ तो देखें अब हम लड़की ढूंढ रहे हैं कोई
हाँ जी आगा साहब, आप कभी अपने वाइफ को हमारे सलून लेकर आए? जी मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। बिजनेस शुरू हो गया? नहीं नहीं, मैं बस इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जरूर वहाँ विजिट करेंगे, और मैं बल्कि चाहूंगा कि आप वो वीडियो बनाएं, हम चैनल पे भी डालेंगे, मैं जरूर लेके आऊंगा उनको। बहुत शुक्रिया जी। अब मेरा ख्याल है घर जाने वाले हैं ना आप? मैंने पता सी ठीक है ठीक है, आप कोई चाय शाय पियेंगे? हाँ जी बिल्कुल पियूंगा। मेहमानों को चाय इसलिए पूछी जाती है कि वो नहीं नहीं बस ठीक है हम चलते मेरा अपना ऐसे कहते है, होते मेरा हैं अपना ऐसे है, कहते होते हैं कि नहीं नहीं बस मैं चलता हूँ। अच्छा चाय आ गई, मेरा अपना घर है, मेहमानों से पूछते हैं मेरे से क्यों चाय आ गई, वो दो उठा के ले भी गए। हाँ जी अच्छा, अपने काम थे अपने काम थे। अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है ना, अब कोई मेहमान आया तो मैं बैठा हुआ, मैं घर का मालिक हूँ, तो आपने आगे से कहना है, मैं पूछूंगा चाय का, तो आपने कहना मतलब आपने कहना है कि कुछ कहने लगे हैं कुछ खाना पीना है, और यार चाय ला के आई और रहने दे, कहता नहीं खा क्या क्यों आगा साहब की चाय क्यों मना हो गई, क्यों नहीं रोटी खानी है, रहने दे कहते ने नहीं खानी छोटा गोश मिल गया। उन्होंने बड़ी सुरीली हांडी पकाई, बारीक अदरक उते धनिया पक गई, अभी खाने ही लगे थे तो उनके मुर्शिद आ गए। अच्छा तो जा पे ने कोई हूं ते हांडी पुछनी पैड़ी, उन्होंने हांडी लुको दी ते बह गए, जी सरकार गल्लां करदे डरदे डरदे कहंदे ए, 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 सरकार लंगर कहने ने भी नहीं पुरबाश कहना शाबाश मुर्शिद शाबाश तादा भी साहब शाबाश। चले जी आप चाय पिए और हम इजाजत लेते हैं, आपका शुक्रिया। आप ये यहीं पे हैं अभी? हाँ जी अभी फिलहाल हूँ। अभी हम आप इजाजत लें अपना। इजाजत मैं लेती हूँ, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल भी मुलाकात हो जाएगी। मुझे पता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, रेमो भाई ने कपड़े भी धोने आते हैं बस थोड़ी देर। नहीं नहीं कपड़े क्यों धोने, मतलब कि मतलब अगर हर दूसरे दिन मैं धो लेता हूँ तो इसमें कोई मतलब मजाक ही ना बढ़ा लो। 18 साल मेरी शादी को है। हाँ जी। मेरी एक दफा लड़ाई नहीं हुई, मैं सारे काम करके सोना, बर्तन धो गए पाड़े धो गए, मैं क्यों लड़न का मौका दिया। लो ये भी मेरा नाम लगना है, इन्हें सिखाया। चलें जी इसी तरह कुछ गा के सुना दें। मैं सुना देता हूँ आपको। अच्छा सुनाइए। रू ले गया दिल दा जाने, रू ले गया दिल दा जाने, ते बुत सानू चुकना पया, रूल गए दिल दा जाने, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, ख्याल तेरा आया, मैं हंस दया रोन लग पई, रूल। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया जी। चले जी देखते रहिए लाइफस्टाइल विद साहिबा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइफस्टाइल विद साहिबा, उसने खुशबू ये अच्छा बाज का गाना, उसने खुशबू, खान साहब ने गाने च कीता ही नहीं, पल्यों पाण रहे।